कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन पूरा हो चुका है। कल शपथ ग्रहण समारोह है। मंत्रिमंडल में किस किस को जगह दी जाएगी, कौन कौन से चेहरे होंगे जो मनोहर कैबिनेट में शामिल होंगे, सस्पेंस भी खत्म होने को है। और थोड़ी ही देर में सीएम आवास पर बैठक होगी। प्रदेश प्रवक्ता सुभाष बराला समेत कई नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दे, बीजेपी विधायक दल की बैठक थोड़ी ही देर में, बैठक के बाद डिनर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सब कुछ फाइनल हो चुका है। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक, इसके अलावा थोड़ी देर में सीएम आवास पर बैठक होगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, प्रदेश प्रवक्ता सुभाष बराला समेत, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला समेत कई बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कल तमाम बड़े चेहरे मनोहर कैबिनेट के शपथ लेंगे। मनोहर कैबिनेट में किस किस को शामिल किया जाना है ये साफ हो जाएगा। चंडीगढ़ के ब्यूरो चीफ अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के। अनिल, बैठक का कार्यक्रम है आज, बीजेपी विधायक दल की बैठक है, क्या अपडेट मिल पा रहा है इस पर? जी रंजना, आज भाजपा विधायक दल की बैठक है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज बैठक लेंगे और सभी विधायकों से चर्चा करेंगे। और आज मुख्यमंत्री ने विधायकों को डिनर पर भी निमंत्रण किया है और आज जो है निर्दलीय विधायक भी जो डिनर में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, क्या ये मानकर चला जाए जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है वही लोग इस बैठक में मौजूद होंगे अनिल? जी रंजना, नहीं, ये जो है भाजपा विधायक दल की बैठक है, इसमें सभी विधायक जो है शामिल होंगे और जो मंत्री बनेंगे वो भी इसमें रहेंगे जिनको कल ओथ दिलाई जाएगी। और इसके अलावा जो है निर्दलीय विधायकों को भी निमंत्रण जो खाने पे मुख्यमंत्री ने दिया है और सभी विधायक जो है आज मुख्यमंत्री के पास खाना खाएंगे उसके लिए निमंत्रण दिया गया है। और इससे पहले जो है अभी थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक में मुख्यमंत्री किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं ये देखना होगा। जी रंजना बिल्कुल, साथ ही साथ अनिल, क्या ये भी मानकर चला जाए कि जिनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा वो नाराज ना हो, इससे पहले डैमेज कंट्रोल के लिए ये बैठक बुलाई गई है और डिनर का आयोजन भी है? जी रंजना बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है विधायकों की बैठक ले रहे हैं, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री विधायकों की नबज भी टोल रहे हैं क्योंकि जो है कि कोई विधायक नाराज ना हो और इन सभी चीजों को मुख्यमंत्री देख रहे हैं। इसके अलावा निर्दलीय विधायकों का भी मन जो है मुख्यमंत्री टटोलेंगे और प्रयास करेंगे कि जो है सभी विधायक सरकार के साथ चलें, किसी को भी नाराज नहीं करना चाहेंगे। और मुख्यमंत्री का प्रयास रहेगा कि निर्दलीय विधायकों और जेजेपी के विधायकों जिसके साथ भाजपा का गठबंधन हुआ है सभी को एक साथ लेकर चला जाए, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने आज विधायकों की बैठक बुलाई है और अपनी तरफ से सभी विधायकों को खाना भी दे रहे हैं। जी अनिल, क्या जेजेपी के विधायक भी शामिल हो सकते हैं इस बैठक में? हालांकि बीजेपी के विधायक दल की बैठक है लेकिन जेजेपी के विधायकों को भी क्या शामिल किया जाएगा? जी खाने पे तो मुख्यमंत्री जो खाने पे तो बुलाएंगे क्योंकि गठबंधन से सरकार है और सरकार जो है कोई भी काम नहीं करना चाहेगी, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगी कि कोई भी विधायक उनसे नाराज हो और सभी को साथ लेकर चलेगी। मुख्यमंत्री का ये प्रयास रहता है कि सभी विधायकों को साथ लेकर चले, जिस तरह उन्होंने पहले कार्यकाल में सभी विधायकों को साथ लेकर प्रदेश की विकास की गति को आगे बढ़ाया है और जो खामियां रह गई हैं और अब दूसरे टेन्योर में मुख्यमंत्री उसको पूरा करेंगे और जो समस्याएं मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों की समझी है उनका प्रयास करने का समाधान करेंगे। और 90 विधानसभा क्षेत्रों का जो मुख्यमंत्री चुनाव से पहले दौरा कर चुके हैं और वहां की समस्याओं को अच्छी तरह भांप चुके हैं उन पर मुख्यमंत्री आगे कार्य करेंगे। और विधायकों की आज जो बैठक ली गई है मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रदेश के विकास को लेकर भी चर्चा की जाएगी और भाजपा की आगे क्या रणनीति रहेगी इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री विधायकों से चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए।